नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पटना के कई वीआईपी इलाकों में मिले कोरोना पॉजिटिव, हो जाइए सावधान। राजधानी पटना के 3 मोहल्ले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर बुद्धा कॉलोनी, पटेल नगर और एजी कॉलोनी में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पटना में बढ़ रहे कोरोना के मामले को सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ मंथन चल रही है। विदेश यात्रा से आने वालों के साथ ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जिनके घर के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए हैं। पटना के एजी कॉलोनी में 36 साल का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि एजी कॉलोनी में रविवार को 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सब एक ही परिवार के लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लोगों की जांच करा रहा है। अब तक 50 से अधिक लोगों की जांच हो गई है। पटना के पटेल नगर में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। खुशखबरी, SBI बैंक में 7026 पदों पर निकले बम्पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक रिक्वायरमेंट 2022 के अनुसार SBI ने 7026 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। SBI ने बैंकिंग जॉब के लिए जारी नोटिफिकेशन में ग्रेजुएट महिला पुरुष कैंडिडेट्स को आवेदन करने की गाइडलाइन दी है। SBI ने संपूर्ण भारत के ग्रेजुएट पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। वहीं बैंक भर्ती 2022 के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पूर्व SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से SBI ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। महाबोधि मंदिर में विस्फोट का मामला, 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा, 3 को उम्र कैद। महाबोधि मंदिर में विस्फोट मामले में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में 8 दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है। बाकी 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि महाबोधि ब्लास्ट और कालचक्र मैदान के अलावा कई स्थानों पर 19 जनवरी 2018 को IED ब्लास्ट हुए थे। इस कांड में कुल 9 आरोपी थे, जिसमें 8 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद पटना की NIA कोर्ट ने इसी 10 दिसंबर को इन सभी आतंकी गतिविधियों, देश विरोधी, विस्फोटक अधिनियम समेत और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया था। आज इस मामले में सजा का ऐलान होना था। पटना NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में 8 दोषी करार दिए गए थे, जिसमें 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है। बाकी 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें अहमद अली, पैगंबर शेख, नूर आलम को उम्र कैद की सजा और 5 आरिफ हुसैन, मुस्तकीम, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफिजुर को 10 साल की सजा मिली है। शराब के बाद बिहार में अब होने लगी पेट्रोल डीजल की तस्करी, दाम में भारी अंतर के कारण शुरू हुआ धंधा। बिहार सरकार और सूबे की पुलिस दूसरे राज्यों से आ रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए बाकी सारा काम लगभग भूल चुकी है। इसी बीच बिहार में पड़ोसी राज्य से पेट्रोल और डीजल की तस्करी शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के मुकाबले पड़ोसी राज्य में पेट्रोल और डीजल का दाम काफी कम है, लिहाजा पड़ोसी सूबे से तेल लाकर बिहार में खपाना मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिलों में उत्तर प्रदेश से पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी भी होने लगी है। इसके धंधेबाज बिहार सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के बाजार कस्बों से 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों पर गैलन ड्रम में डीजल और पेट्रोल भरकर बिहार के गांव में पहुंचा दे रहे हैं। दिन भर के कारोबार में इन्हें अच्छी कमाई हो जा रही है। जानिए कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन, डॉक्टर ने बताया नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितना असरदार। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले डेल्टा वायरस 9 बार म्यूटेशन कर बहुत ज्यादा ताकतवर और घातक हो गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नया वायरस ओमिक्रॉन 32 बार म्यूटेशन कर चुका है। वायरस के म्यूटेशन से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वायरस ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। पटना एम्स के ट्रामा इमरजेंसी के HOD और कोरोना की दोनों लहर से जागरूकता पर काम करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार ने ओमिक्रॉन का खतरा और वैक्सीन के इस पर असर के बारे में बताया है। आपको याद होगा कि भारत में सबसे अधिक तबाही डेल्टा वेरिएंट ने मचाई थी, वह 9 बार म्यूटेशन कर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने 32 बार म्यूटेशन किया है। बता दें कि डेल्टा इंडिया में 80% से भी अधिक फैला है। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन के कारण यह बात सामने आई है कि RT-PCR जांच में इसका S जीन डिटेक्ट
नहीं हो पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। ऐसे में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि वह वैक्सीन को भी निष्प्रभावी बनाने की क्षमता रखता है। डॉक्टर अनिल का कहना है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न वैक्सीन को भी फेल करने के साथ वैक्सीन को चकमा देकर लंग्स में चिपक जाता है। वह वैक्सीन को प्रभावी भी नहीं मानता है। इसी से इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। इसीलिए कोरोना के इस नए वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर जताई नाराजगी। कहा, सरकार गंभीर नहीं है कोरोना को लेकर। बिहार राज्य में कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे और सही तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पटना के सिविल सर्जन को कोर्ट ने अस्पतालों में सारी व्यवस्था, दवा, डॉक्टर और अन्य सुविधाओं की तैयारी रखने को कहा है। कल के सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। बता दें कि कोर्ट ने खास तौर पर साउथ अफ्रीका में फैले कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार को राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन और भंडारण के संबंध में सूचित करने को कहा था। अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट ने उसके पूर्व भी राज्य भर के उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा मांगा था। अब इस मामले पर 24 दिसंबर 2021 को सुनवाई की जाएगी। बिहार में ठंड को लेकर अलर्ट जारी। उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ और बर्फीली हवाओं से बढ़ा सर्दी का सितम। पटना सहित पूरे बिहार में आज से तापमान में कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में राज्य के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। पटना का तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को हिमाचल प्रदेश के कुंजुम, रोहतांग दर्रे समेत कई शहरों में जमकर बर्फबारी हुई। इस कारण आने वाले दिनों में उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। बता दें कि उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवा के कारण से बिहार के ज्यादातर शहरों में तापमान में कमी आई है। पटना में जल्द खुलेंगे 8 नए CNG पंप, मार्च तक 20 हो जाएगी संख्या। सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ने से पटना में इसकी खपत भी बढ़ गई है। पटना में रोजाना 48,000 किलो सीएनजी की खपत हो रही है। इसके लिए पटना में कुल 12 सीएनजी पंप बनाए गए हैं। सीएनजी की खपत को देखते हुए पंप की संख्या भी बढ़ाने पर काम हो रहा है। मार्च तक 8 नए CNG पंप शुरू किए जाने की योजना है। मार्च तक पटना में कुल 20 CNG पंप हो जाएंगे। अभी फिलहाल 12 पंप से सीएनजी दी जा रही है। इसी महीने बख्तियारपुर के एसआर फ्यूल और बेली रोड के ऋत्विक पेट्रोल पंप से भी सीएनजी मिलने लगेगी। वहीं मार्च 2022 तक 6 और सीएनजी पंप खुल जाने के बाद लोगों की परेशानी कम हो सकेगी। बता दें कि पटना में डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ऐसे में सीएनजी से चलने वाले ऑटो की मांग बढ़ गई है। पटना में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पटना में कुल 70 सिटी बस और 17,000 ऑटो सीएनजी से ही चल रही है। इन वाहनों में सीएनजी भराने के लिए काफी लंबी लाइन लगती है। सीएनजी पेट्रोल और डीजल से भी सस्ती है। सीएनजी की कीमत पटना में 67.90 रुपये प्रति किलो है। समस्तीपुर में शराब से मौत के मामले में थाना प्रभारी को शो कॉज, जांच टीम गठित। समस्तीपुर में जहरीले शराब से मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। प्रभारी श्याम बिहारी चौधरी को शो कॉज नोटिस दिया गया है। उस समय थाना प्रभारी विशाल कुमार छुट्टी पर थे। अब तक इस मामले में मृतक के चाचा के बयान पर 3 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि समस्तीपुर में बीते दिनों शराब पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना शिवाजी नगर प्रखंड के बहरी थाना क्षेत्र बालीपुर गांव की थी। ये सभी लोग शादी समारोह में शराब पिए थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि यह सभी जहरीली शराब पीने से हुआ है। घटना के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने पूरे घटने की जानकारी ली। पूरे मामले की जांच की गई। अब इस मामले में प्रभारी पर गाज गिरी है। अब पटना से यूपी, झारखंड और बिहार के 55 जिलों के लिए चलेंगी 570 नई बसें, किराया बहुत कम। अब पटना से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के अन्य जिलों में जाना और आसान होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पीपीपी मोड पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में आने जाने के लिए 570 नई नॉन एसी और एसी बसें चलेंगी। इसमें यात्रियों को काफी आसानी होगी और सबसे खास बात यह है कि इसमें चालक मनमानी तरीके से किराया नहीं ले सकेंगे। परिवहन निगम के पदाधिकारी
जानकारी के मुताबिक पीपीपी मोड पर चलने वाली बसों का किराया प्राइवेट की तुलना में कम होगा। इतना ही नहीं, यात्रियों से मनमानी किराया नहीं वसूला जाएगा। निगम द्वारा संचालित होने वाली बसों में रेट चार्ज के अनुसार यात्रियों से टिकट का शुल्क लिया जाएगा। निगम द्वारा तय किराए के अनुसार वाहन मालिक यात्रियों से किराया लेंगे, क्योंकि इन्हें निगम द्वारा ही संचालित किया जाएगा। अगर सरकारी किराया 200 रुपये है तो बस मालिक 220 रुपये नहीं ले सकते हैं। बता दें कि अभी तक पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने जाने वाले बसों की संख्या लगभग 750 है। 570 बसें और बढ़ाने के बाद बिहार में परिवहन निगम से संचालित होने वाले बसों की संख्या लगभग 1320 हो जाएगी। अगले साल फरवरी माह से यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।